हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है, कैसे ये काम करता है। बेसिकली फ्लिपकार्ट पे लेटर में क्या होता है कि आपको 5000 से लेके 6000 तक का आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाता है एज अ क्रेडिट कार्ड की तरह। उस लिमिट से आप शॉपिंग कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे और उसको आप अगले महीने पेमेंट कर सकते हो। मान लो पूरा महीना आप शॉपिंग करते हो 1 से लेकर 30 तक, तो आपको अगले 10 तारीख को आपको बिल पे करना होता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं इस वीडियो में कि कैसे इसको एक्टिवेट करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस सीखते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड, यह है फ्लिपकार्ट का ऐप और हमें पे लेटर अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो क्या करना होगा, सबसे ऊपर जाना है 3 लाइन के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना है। ये रहा माई अकाउंट, और उसके बाद को तीसरे नंबर पे दिखेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो आपको एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 6000 तक का आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो पूरे महीने, और उस अमाउंट को आप अगले 10 तारीख को पेमेंट कर सकते हो। तो 30 सेकेंड का प्रोसेस है, इसमें कोई हिडन चार्ज वगैरह नहीं होते, ना ही आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, ठीक है। तो ये इसके हाईलाइट्स आप देख सकते हो, ये आप देख लीजिए। तो चलिए मैं इसको आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे। तो 30 सेकंड का ओनली प्रोसेस है। पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको एक OTP आएगा आधार को वेरीफाई करने के लिए। OTP को आप एंटर करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आपको क्लिक करना है एक्टिवेट नाउ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर पैन नंबर एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको पैन नंबर एंटर करना है, तो चलिए मैं अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मेरे को OTP आ गया है, मैं यहाँ पर OTP एंटर कर लेता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो चलिए OTP हमने एंटर कर दिया है, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। और जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, आप अपना पैन नंबर आधार नंबर देख सकते हैं, जो भी एज़ पर आपका आधार कार्ड एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप डिटेल एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा टर्म्स एंड कंडीशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। और नीचे आप आओगे तो उसको कर देना आपको सबमिट। सबमिट करते ही कुछ सेकंड में आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ये आप देख सकते हो, और हमें जो लिमिट मिला है 5500 का, मतलब 5500 का लिमिट हमें मिला है जिससे कि हम इंस्टेंट शॉपिंग कर सकते हैं और उसको नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि मेन टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसा कि आपको जो भी क्रेडिट लिमिट मिलता है फ्लिपकार्ट पे लेटर में, उतने अमाउंट का आप शॉपिंग कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे, और उसको आप अगले महीने की 10 तारीख को पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे और सिलेक्टेड सेलर्स को ही अभी अवेलेबल है। तो जो भी शॉपिंग आप करते हो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, उसका बिल आपको 1 तारीख को बन के आ जाएगा। बाय मेल बाय मैसेज आपको अलर्ट आ जाएगा कि इतना बिल आपका बना है जो कि आपको 10 तारीख को पे करना है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। तो जो भी आपका बिल बनता है उसको आपको टाइम से पे कर देना है 10 तारीख तक, नहीं तो उसके बदले में आपको फ़ाइन भी लगता है। मान लो अगर आपकी शॉपिंग 2000 तक की है तो आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा, और अगर आपकी शॉपिंग 2001 रुपये से लेकर 4000 तक की शॉपिंग है तो आपको 200 रुपये का फ़ाइन लगेगा। अगर आपकी शॉपिंग 4001 रुपये से ज़्यादा की है तो आपको 400 रुपये का फ़ाइन लगेगा, ये आप स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। तो जो भी बिल आता है अगर आप उसको टाइम से पे कर देते हैं तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना होता, जितना भी आपने यूज़ किया उतना ही आपको पे करना होता है। अगर आपका लेट पे लेट काफ़ी लेट हो गया है और तब भी आप पे नहीं कर रहे तो जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप टाइम से पे कर दीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहे फ्यूचर के लिए। कोई भी कार्ड अगर अप्लाई करते हो, लोन लेते हो, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो और इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। जो भी क्रेडिट लिमिट मिलेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। 5000 से लेके 6000 के बीच में लिमिट मोस्टली मिल जाता है, और उसको आप यूज़ कीजिए, और जो भी आप यूज़ करते हो उसको नेक्स्ट मंथ आराम से आप पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन में से नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।